अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली। तो मैं ये पका रहा हूँ आज सूखा साग। आप देख सकते हैं इसको हमने सही से गांव से लिया है और बेहतरीन है। और एक मेरी सिस्टर ने भी पकाया था, आज मैं भी पका के आपको दिखाता हूँ भी कैसे पकता है। तो माशाल्लाह अभी मैं इसमें जो है ना पानी डालूँगा, पानी डाल के फिर इसको पकाता हूँ जैसे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी इसको बिल्कुल बारीक किया हुआ है, ये इसी वजह से बारीक नज़र आ रहा है मिसाले की तरह, लेकिन ये बहुत बारीक। जी क्या हाल है जी, ये साग में पके ना पिया तेरे वास्ते, तू वो से नहीं देख खवे सा। आज जरा ना साग पके ना देख, सूखा साग खवे सा। हमने पानी डाल दिया है, पानी ज़्यादा डालना पड़ता है इसी वजह से भी, ताकि थोड़ा टाइम चाहिए। अभी ये थोड़ा गल गया है, लेकिन इसकी शक्ल ऐसे बन गई है। फिर इसको उबालेंगे, उबाल के बाद में फिर जाएगा प्याज और टमाटर काटेंगे। हमने टमाटर काट लिए, प्याज भी काट लिया है, ये साग को जाना सही से उबाल लिया है और दाल को भी उबाल लिया है। अभी आगे करते हैं इसको, देखते हैं भी क्या होता है इसके साथ, कैसे कैसे हमने पकाना है। अभी प्याज हमने डाल दिया, ये जब सर्फ हो जाएंगे तो फिर जो है ना मिर्ची डालेंगे, मिर्ची के बाद फिर टमाटर डालेंगे। और टमाटर पक जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये साग और दाल ये दोनों डालना है। और ऐसी खूबसूरत पकती है और माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। और इसकी रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करना है। और ये साग जो है ना सब सुबह साग होता है, इसको हम सुखाते हैं, सुखा के वो भी जो इसकी सही से पत्ते होते हैं और इसके जो है ना गंदगी होती है वो चीज़ें सुखा के फिर इसको अच्छे तरीके से सुखा के रख देते हैं। जब रख देते हैं तो गर्मी में मौसम में जैसे किसी का दिन करते हैं पकाते हैं। अभी थोड़े प्याज जो है ना सर्फ हो गए, देते हैं हल्के सर्फ हो गए। अगर मेरी रेसिपी किसी बहन भाई को अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ने ज़रूर करना है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पकता है और इसको पकाने का आसान तरीका है, इसको पहले पहले जो है ना उबालना पड़ता है सही तरीके से। जब भी उबाल लेंगे तो ये गल जाएगा, फिर जो है ना इसको सही से धोना पड़ता है ताकि इसका कड़वा पानी निकल जाए। धो के फिर जो है ना इसको दोबारा साफ करके पील के दोबारा इसको रख देना चाहिए ताकि ये पकने के लिए आसान हो जाए। तो आप देख सकते हैं दाल और इसको हमने मिक्स किया हुआ है ना, ये इसका कलर भी चेंज हो गया उस टाइम आपको दोबारा सीखा था। अभी हम डालते हैं मिर्ची, और मिर्ची मेरे पास अभी कम थी। ये है मेरी मिर्ची, आप देख सकते हैं मैंने मिर्ची भी लाल वाली ली है, मिर्ची भी डाली है। और मिर्ची के बाद अभी मैंने डालना है टमाटर, ये मेरे पास टमाटर कटे हुए छोटे से बारीक किया हुआ। खैर है हर्षदार ही तो तब रखी हुई अंदर आमदन यार, खैर है परेशान क्यों।